उत्तराखंड में पलायन एक बड़ी समस्या है। अव्यवस्थाओं और बेरोजगारी के चलते जहां एक ओर लोग पलायन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक शख्स ऐसा भी है जिसने एक नई मिसाल पेश की है। ये है बागेश्वर जिले के गरुड़ तहसील के चोरसो गांव के निवासी चंद्रशेखर। मुंबई से काम छोड़ लोगों को एक नई दिशा देने उत्तराखंड लौट आए और कृषि को अपना स्वरोजगार बनाया। पॉली हाउस की मदद से बेमौसमी सब्जियां उगाकर और साथ ही खेती से आज लाभ कमा रहे हैं। कि मैं उत्तराखंड का रहने वाला व्यक्ति है तो मैं आज मुंबई में हूँ, तो मुझे 23 साल, जब मैंने 23 साल वहाँ पर काम किया, उसके बाद मेरी एज 42 है, तो मैंने कहा 10 साल के बाद अगर मेरे परिवार का जो ढांचा होगा मुंबई में होगा तो प्लान के लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो अपने लाइफ का जो क्षण होते हैं 10 साल में अपने उत्तराखंड को देगा, क्योंकि मेरी जन्मभूमि उत्तराखंड है और मैं वहां के लोगों के लिए अब काम करूंगा। गौरतलब है कि इन प्रयासों के बीच चंद्रशेखर को कोई सरकारी सहायता नहीं मिली है, लेकिन अब जिलाधिकारी पलायन को रोकने की इस मुहिम की सराहना करते हुए मदद दिलाने की बात कह रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड है और उद्यान विभाग और कृषि विभाग से उनके बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। बट उनकी एक ये चिंता थी कि उनके यहाँ जो खेती तक जाने के लिए रोड नहीं है, तो उसकी चर्चा उन्होंने किया था यहाँ पर। तो मैंने सीडीओ को निर्देशित कर दिया है कि उस लैंड का सर्वे करा ले और आगे की कार्रवाई जिससे हम लोग कर सके। यूं तो शासन प्रशासन पलायन रोकने के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रहा है, लेकिन पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब ऐसे में देखना होगा कि चंद्रशेखर की पलायन के खिलाफ इस मुहिम में सरकार किस तरह मदद करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट।